जय हिंद एस्पिरेंट्स, अ वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फटाफट से जुड़ जाओ बच्चों, बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी लिंक शेयर करो, ठीक है? ओके, प्रणव, उदय ठाकुर, मांडवी, बाबा, प्रणव, हर्ष, धनंजय कुमार, अनन्या राव यादव, जय हिंद बच्चों आप सभी को, ठीक है? और अ वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग। आज 21st of July, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स और अपडेट्स जिन्हें कवर करने हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश करता है। ओके, बाकी के बच्चे भी इन टाइम जुड़ते रहेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको पूछा हुआ था कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 कहाँ पर होस्ट किया गया था, कल होस्ट किया गया था, हम उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। चंद इंपॉर्टेंट से इनिशिएटिव्स भी वहाँ पर लॉन्च किए जा चुके हैं बच्चों, ठीक है? तो कल भी हमने पढ़ा हुआ था, आज भी थोड़ा बहुत ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके का समिट रखा जा रहा है, ठीक है? दुनिया में पहली बार, और इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है बच्चों। सो न्यू दिल्ली में ये समिट हो रहा है। सो चेन्नई, न्यू दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, ठीक है? सो न्यू दिल्ली में ये ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स का समिट 2 दिन का हो रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार इसे होस्ट कर रही है। इवन कल WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस भी वीडियो का मैसेज उन्होंने भेजा हुआ था, और बहुत ही उन्होंने तारीफ की कि इस तरीके का दूरंदेशी के साथ जो फूड रेगुलेटर्स को बुलाना एक जगह पर, एक मेड इन ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स के समिट रखना और उसे सक्सेस कराना, उन्होंने इंडिया को कंग्रेचुलेट भी किया हुआ था। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। 2 दिन फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज होगा बच्चों, 5th of August, अभी नहीं, कल कर्टन रेजर की सेरेमनी थी, तो 5th of August एंड 6th of August मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन जो है वो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 के नाम से यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए, लाइब्रेरीज बहुत ही क्रूशियल सा रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, और आजकल तो जब से डिजिटलाइजेशन का ज़माना आया हुआ है, अब सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स हाथों में ही है, तो जाहिर सी बात है कि फिजिकल लाइब्रेरीज का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस कम होता आ रहा है, ठीक है? तो इस सेशन में या फिर इस 2 दिन के फेस्टिवल में हम फोकस करेंगे कि बोथ फिजिकल एज वेल एज डिजिटल लाइब्रेरीज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सर, अब डिजिटल लाइब्रेरीज का मतलब क्या होगा? देखिए, वही फिजिकल लाइब्रेरी को डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है? मान लेते हैं कि हमारी नेशनल लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में है, ठीक है, बहुत ही बड़े आर्काइव्स वहाँ पर मेंटेन किए जा चुके हुए हैं, तो अगर उस नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली को डिजिटलाइज किया जाएगा तो ऑनलाइन आपको उसका पूरा नक्शा, पूरी तरीके से जो जो की किताबें वगैरह है, आपको बैठे जगह ही जो ये सभी चीज़ें हैं ना, वो एक्सेस मिल जाएंगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विच डील्स विद डिजिटल लाइब्रेरीज ऑल्सो, ठीक है? और जाहिर सी बात है कि जो फिजिकल लाइब्रेरीज जिनके पास नहीं है, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है वो जो डिजिटल रिपोजिटरी बना सकते हैं किताबों की, ठीक है, बड़े बड़े सर्वेस जर्नल्स वगैरह रख सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को उसका एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कोई भी नॉलेज जो गेन करना चाहते हैं उनके लिए लाइब्रेरीज जो बड़ा ट्रेजर ही होते हैं, ठीक है? सो किस तरीके से सिटीजन्स को हम एम्पावर कर सकते हैं, बैरियर्स को हम तोड़ सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के इनिशिएटिव से, उन सभी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होगा बच्चों। और साथ ही साथ चंद आइकॉनिक लाइब्रेरीज जो वर्ल्ड के अक्रॉस हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन किस तरीके से उन्हें किया गया और उसे इंडिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ अगस्त 5th को एक नया रैंकिंग भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा बच्चों, पहली बार स्पेशल रैंकिंग सिस्टम यहाँ पर लाइब्रेरीज के लिए, जस्ट लाइक हम SDG इंडेक्स देखते हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स देखते हैं, उसी तरीके से अब हम लाइब्रेरी इंडेक्स भी देखने को मिल सकता है कि नेशन वाइड जो कुछ भी लाइब्रेरीज हैं किस तरीके से उन्हें रैंकिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि वेयर आर वी एक्चुअली स्टैंडिंग, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सिटीजन्स और जो रीडर्स हैं उन्हें अच्छी खासी फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है? सो ये इनिशिएटिव भी लाया जाएगा, ये बहुत ही अच्छा काम है। और प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ही होस्ट होंगी, मतलब शी विल बी कमिंग ओवर देयर एज चीफ गेस्ट, ठीक है? और वैलेडिक्टरी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है बच्चों। परसों दरअसल ओम बिरला जी ने ऑल पार्टी मीटिंग भी यहाँ पर कन्वीन की हुई थी, और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी की कमिटी भी उन्होंने मीटिंग हिट की हुई थी, और पूरी तरीके से यही आशा जताई कि सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा, अननेसेसरी यहाँ पर एडजमेंट्स वगैरह नहीं होंगे। सो सभी पार्टीज़ के लीडर्स ने अपना कोऑपरेशन जो है वो देने का अश्योरेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि पीसफुली हाउस के प्रोसीडिंग्स वगैरह में हम आपका साथ देंगे। तो यहाँ पर डेट्स भी दिए गए कि कल जो स्टार्ट हुआ वो 11th of next month यानी कि 11th August तक ये कंटिन्यू होगा बच्चों। पूरे 17 सिटिंग्स यहाँ पर होंगे फॉर 23 डेज, ठीक है, 23 दिन के लिए हमारा पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चलेगा।
बजट मानसून और विंटर सेशन होता है, तो ये मानसून मिड सेशन भी माना जाता है। कई सारे क्रूशियल से बिल्स भी यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। आपको थोड़े बहुत हाईलाइट्स उनके बता दूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट से बिल ऑलरेडी इसमें से कई सारे बिल्स जो है वो इधर लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जा चुके हुए हैं। ठीक है, मेन इंट्रोडक्शन हमारा इन्हीं पर चलेगा। सो गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, ये बिल की मदद से लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना दिल्ली के, उन्हें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पावर्स देने की कोशिश की जा रही है, और जो इलेक्टेड सरकार होती है वहाँ पर उसके पावर्स थोड़े बहुत कम करने की, रफली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया हुआ है। अब हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि इस पर डिस्कशन वगैरह क्या होगा। सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, ये बिल कोशिश कर रहा है बच्चों के मूवी वगैरह में जो पायरेसी के केसेस होते हैं ना, उसे किस तरीके से कर्ब किया जा सकता है, क्रिएटिव कंटेंट को, ठीक है, क्रिएटिव इनोवेटर्स हम कह सकते हैं उन लोगों के पेटेंट्स वगैरह से रिलेटेड, उन लोगों की क्रिएटिव वर्क को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में डील करेगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, ये खासकर अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, देखिए कई बार होता क्या है, ये जो आयुर्वेदिक या इस तरीके से जो मेडिसिनल नॉलेज हमें मिलता है विलेज लेवल पर, ज़्यादातर हम उन लोकल कैंडिडेट्स के साथ उसे शेयर कर ही लेते हैं, छोटे छोटे नुस्खे। अब यहाँ पर कई बार हो सकता ऐसा भी है कि वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा ना, उसका काम करना बहुत अच्छा हो, उसे प्रोडक्शन वगैरह करके अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर सप्लाई वगैरह करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स भी वगैरह वो देगा। तो ये बिल थोड़े बहुत उसी तरीके से चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकल लेवल पर जो है अब ये मैंडेटरी नहीं होगा कि आयुर्वेदा या फिर इस तरीके से ट्रेडिशनल मेडिसिन के जो कोई भी बेनिफिट्स हैं उन्हें विलेज या फिर इस तरीके से दूसरों के साथ शेयर वगैरह किया जाए। ठीक है, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत पुश मिल सके। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल, यहाँ पर मैंडेटरी चंद रूल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, जैसे कि एटलीस्ट दो या एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड मेंबर भी एज अ बोर्ड ऑफ मेंबर हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इस पर भी डिस्कशन चलेगा। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, नेशनल डेंटल कमीशन बिल, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन। मिडवाइफरी यानी कि देखो, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, कंसीव होती है, तो उसके लिए स्पेशल मेडिकल अटेंशन की बहुत ही अलग ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो हमें देखने को नहीं मिलता इंडिया में, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये मिडवाइफ्स या फिर मिडवाइफरी जिन्हें कहते हैं, वो एक बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशन है बच्चों, हेल्थ प्रोफेशंस है। एक माँ जब से कंसीव करती है तब से लेकर बच्चा जब एक सर्टेन एज, 1 साल या 2 साल तक, तब तक नहीं होता तब तक कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन हेल्थ प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। ठीक है, सो उसी से रिलेटेड नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल भी यहाँ पर लाया जा रहा है। और रेलवे अमेंडमेंट बिल, ये कई सालों से भी डिस्कशन के लिए रुका हुआ है बच्चों। चंद डेफिनेशन यहाँ पर चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक्सीडेंट, ठीक है, ट्रेन के चढ़ते वक्त ऊपर चढ़ जाना, नीचे उतरना, ट्रेन के छत पर वगैरह जब चलते चलते गिर जाना वगैरह, ऐसे चंद डेफिनेशन को यहाँ पर चेंज करवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अभी वेट करके देखेंगे कि क्या कुछ होगा, जैसे जैसा बिल्स पास होते जाएंगे मैं आपको और भी एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, आर यू देयर, हाउस जोश, क्या हुआ, बाकी के बच्चे कहाँ पर हैं? ओके, कई बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया, द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम इज लव एंड सपोर्ट। ठीक है, लाइक करो बच्चों। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप मालदीव्स में हुई थी बच्चों इस साल। ठीक है, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप मालदीव्स में हुई थी, तुलसी धू आइलैंड में हुआ था। सो वहां पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 या 5 मेंबर का कंटिजेंट इंडिया से भेजा गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। लगभग 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ था बच्चों इस कॉम्पिटिशन में। तो वहाँ पर ओवरऑल जो अच्छा खासा टीम जिसने फिनिश किया हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पर इंडिया आया, विच गॉट इट ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, सो इंडिया के यानी कि सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अरुण वासु ने इसके बारे में कहा बच्चों, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले महीने August 14 से लेकर 20 तक इंडिया एक ग्लोबल इवेंट होस्ट करेगा, फर्स्ट एवर वर्ल्ड सर्फिंग लीग इवेंट। ठीक है, और ये भी पहली बार इस तरीके का इवेंट हमें दुनिया में देखने को मिल रहा है बच्चों। सो वर्ल्ड सर्फिंग लीग इंडिया होस्ट करेगा महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, सो दुनिया भर के सर्फर्स यहाँ पर आएंगे बच्चों, या सर्फिंग चैंपियंस आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आकर कम्पीट करेंगे। ठीक है, ओके, थुलुस दू, यहाँ पर तो थुलुस दू लिखा हुआ है। ठीक है, पार्डन में, मैं मालदीव्स का नहीं हूं तो थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। ठीक है,
And next most important update is global food regulator summit 2023 discussions चल रहे हैं ना बच्चों. सो दो दिन का समिट ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI वालों ने ये होस्ट करवाया हुआ है इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. तो इसका एम क्या था बच्चों, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना फूड रेगुलेटर्स के वास्ते ताकि फूड सिक्योरिटी फूड सेफ्टी सिस्टम्स को हम एनहेंस कर सकें और कोलाबोरेशन की मदद से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को हम बना सकें. ठीक है. सो डॉक्टर टेड्रोस जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी भेजा हुआ था और कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री को कि आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस तरीके का पहला ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रेगुलेटर्स फूड रेगुलेटर समिट जो है वो आप होस्ट कर रहे हैं. और मनसुख मांडविया जी जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, ही प्रिसाइडेड ओवर देयर बच्चों, और उन्होंने स्पीच भी दी और ये कहा कि नीड ऑफ द आवर क्या है हमारा कि डिटेल डिस्कशन हम करें कैसे इश्यूज पर, फूड सेफ्टी किस तरीके से होनी चाहिए फॉर फ्रेमिंग यूनिवर्सल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. ग्लोबल लेवल पर एक फूड सेफ्टी का यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हम बनाएं. ठीक है, क्योंकि हैबिचुअल डिसीजेस बढ़ रहे हैं और फूड अडल्ट्रेशन के केसेस भी हमें दुनिया भर के अलग अलग कोने में से देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर चंद इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि तीन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर लॉन्च किए गए. सबसे पहला फूडो कोपिया आप कह सकते हैं, जो कि फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स हैं. मोनोग्राफ्स यानी कि एक डिटेल्ड स्टडी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है किसी एक प्रोडक्ट वगैरह के बारे में. और एक कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड भी बनाया गया है फूड रेगुलेटर्स के लिए. और साथ ही साथ संग्रह एक कलेक्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ है बच्चों. ठीक है, एक डिजिटल रिपोजिटरी. तो ये तीन इंपॉर्टेंट से इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए जा चुके हैं. इथियोपिया में लगभग 5 महीने बाद फिर से सोशल मीडिया का एक्सेस प्रोवाइड किया जा चुका है बच्चों. इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ पर लगभग पिछले 5 सालों से फेसबुक, टेलीग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब बैन हो चुके हुए थे. ठीक है, यानी कि ब्लैकआउट वहाँ पर लगा दिया गया था. ये 9 फरवरी को किया गया था क्योंकि वहाँ पर खुद सरकार और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच, इथियोपिया में एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है क्रिश्चियंस का, उनके बीच यहाँ पर डेडली टेंशन्स हुए थे, झड़प हुई थी. तो कंटिन्यूसली यहाँ पर वायलेंस हमें देखने को मिल रहा था. सो प्रॉब्लम हुआ कब बच्चों के, जब ओरोमिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रीजन जो है ना इथियोपिया में वो ओरोमिया रीजन है. तो ओरोमिया रीजन के एक ऑर्थोडॉक्स चर्च वालों ने, चंद आर्च बिशप्स ने डिमांड किया कि हमें एक नया सिनोड चाहिए. सिनोड यानी कि आप कह सकते हैं कि एक नई मिनिस्ट्री चर्च वाइज, अगर आप क्रिश्चियंस हो तो अच्छे खासे समझेंगे, एक नया ब्रेक अवे, एक नए सेक्ट की तरह. ठीक है, पूरी तरीके से, या फिर आप सिनोड को एक काउंसिल या एक ऐसी मीटिंग भी कह सकते हैं जो कि किसी एक नए तबके की स्टार्टिंग के लिए. ठीक है, सो एक नया सिनोड हमें चाहिए, ये डिमांड वहाँ पर किया गया जा चुका हुआ था ताकि हम अपने क्रिश्चियन सर्विसेज जो है वो ओरोमो लैंग्वेज में कर सकें. लेकिन इथियोपिया में मेजॉरिटी लैंग्वेज जो है वो अमहैरिक है. ठीक है, अमहैरिक और सोमाली ज़्यादा वहाँ पर बात की जाती है. ओरोमा भी अच्छा खासा तादाद में बात की जाती है लेकिन इतना नहीं जितना अमहैरिक. सो ओरोमा लैंग्वेज में ही सर्विसेज वगैरह करवाने के लिए स्प्लिट अब आ चुका हुआ था. तो सरकार और ये ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच झड़प होने की वजह से जाहिर सी बात है कि जहाँ पर रिलीजन है वहाँ पर लोग हैं, तो डेडली क्लैशेस यहाँ पर हुए थे एंड बिकॉज ऑफ विच इंटरनेट पर पूरी तरीके से मार पड़ी हुई थी. और इंटरनेट सोसाइटी के चलते यहाँ पर एक रिपोर्ट उन्होंने ये जाहिर की कि इस आउटरेज की वजह से या फिर इस आउटेज की वजह से इथियोपिया को लगभग $42 मिलियन का लॉस आया हुआ है. खासकर बिजनेस पर जो इफेक्ट्स पड़ा हुआ है ना ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद होने की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट. तो देखो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. ये तो उससे भी शॉकिंग इंसिडेंट है, कल या परसों से पूरी तरीके से न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ है बच्चों. बहुत ही शर्मनाक और दुखद ये घटना हुई. आई डोंट नो इतने दिन भी किस तरीके से 70 days हैव पास्ड सिंस दिस इंसिडेंट एंड नाउ द पुलिस देयर हैज टेकन द कॉग्निजेंस. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वालों ने सोमोटो कॉग्निजेंस लिया हुआ है बच्चों. उन्होंने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी सोमोटो कॉग्निजेंस लिया हुआ है. रिस्पेक्टिव पर्सन्स को यहाँ पर जो कोई भी पोजीशंस हैं जहाँ पर नोटिस सर्व करने चाहिए उन्हें नोटिस सर्व किया जा चुका हुआ है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं. खासकर मणिपुर में ऑलरेडी एथनिक वायलेंस वहाँ पर चल रहा था, मारकाट चल रही थी, और अभी रिसेंटली जो कहने के लिए भी एक बहुत ही एक शर्मनाक सी चीज़ है कि औरतों को इस तरीके से परेड वहाँ पर किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट उनका किया गया, और वो भी रिकॉर्ड उसे करके वायरल करवाने की भी कोशिश. जाहिर सी बात है कि सर सभी के जो है ना वो शर्म से झुक जाते हैं बच्चों.
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मणिपुर को इमीडिएट एक्शन लेने के लिए यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वालों ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर भेजा हुआ था। ट्विटर वालों को भी यहाँ पर यू नो पब्लिक पॉलिसी हेड के यहाँ पर फॉर्मली उन्हें भी इनिशिएटिव्स दिए जा चुके हुए थे कि किस तरीके से ऐसे कंटेंट को आप पुश कर सकते हैं या फिर अलाउ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर देखो कई सारे यू नो वीडियोस ऐसे भी है जहाँ पर ब्लर नहीं किया गया आइडेंटिटी वगैरह को, तो जाहिर सी बात है कि बहुत गलत चीज़ है। और साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान में भी जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ बच्चों, 4 लोग जहाँ पर इंक्लूडिंग एक 6 मंथ्स बच्चे का भी ना देवर बर्न टू डेथ, ये भी बहुत ही हॉरिफिक सा इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पर भी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया बच्चों और राजस्थान के डीजीपी को यहाँ पर नोटिस सर्व किया जा चुका हुआ है। खैर दुख जताने के सिवा और कुछ ज़्यादा कर भी तो नहीं सकते, ठीक है? जब तक इंसान नहीं बदलेगा सोच नहीं बदलेगी, या फिर जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक इंसान नहीं बदलेगा। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज एशियन कंट्रीज का एक कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट करेगा बच्चों, ठीक है? आप सभी को भी पता है ना कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक यूएन का ऑफिस हमारे इंडिया जामनगर गुजरात में है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि अब इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन का हब बन जाएगा बहुत ही जल्द, बन चुका हुआ है ऑलरेडी। और इंडिया एशियन कॉन्फ्रेंस ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पर लगभग एक डेकेड के बाद यानी कि 10 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिल रहा है, और कंबोडिया और वियतनाम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट होंगे करेंगे बच्चों, ठीक है? और यहाँ पर कंट्रीज शेयर करेंगे कि क्या कुछ कोऑपरेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में कर सकते हैं। देखो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ये इंडिया के हैं बच्चों, इसी तरीके से हर कंट्री का अपना ना एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम होता है। चाइना में अपना है, साउथ ईस्ट एशिया में अपना है, आप अगेन लैटिन अमेरिका में भी जाएंगे वहाँ पर भी इस तरीके से कई सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो उसी के चलते ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और आयुष मिनिस्ट्री या आयुष का जो पोटेंशियल है एक्सपेंशन का एक्टिस पॉलिसी के तहत, वो बहुत ही अच्छा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हमें देखने को मिला, क्योंकि 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कैबिनेट ने डिसीशन लिया कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता था, अब उसे फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री का दर्जा दिया जा चुका है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष चलता है ना बच्चों, सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेपरेट किया गया, पहले वो सिर्फ डिपार्टमेंट था, यानी कि पूरी तरीके से अब उसका काम काज अलग हो गया, उसके काम करने के तौर तरीके अलग हो गए, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस उस आयुष को भी दिया जा चुका हुआ था, आयुर्वेदा योगा ठीक है यूनानी सिद्धा मेडिसिन। सियोमोटो कॉग्निजेंस यानी कि बेटा एक लीगल टर्म है जिसका मतलब कि हम खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, किसी ने हमें कंप्लेंट नहीं दी, हम खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, सियोमोटो कॉग्निजेंस, ठीक है? किसी ने जाके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वालों को कंप्लेंट नहीं दी होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसा आक्रोश दिखा रहा है तो किसी ने शायद पिटिशन भी दाखिल नहीं किया होगा, तो उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो इसे सियोमोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। ये न्यूज़ चैनल्स में बहुत बहुत छाया हुआ है, अपने सीडीएस वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें इस पर, ठीक है? चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी। देखो चाइना की ग्रोथ 1970s 1980s से ही हम ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक इंडिया में ओपन डोर पॉलिसी 1991 में हमने देखा ना, चाइना उसी तरीके का एक सिस्टम फॉलो कर रहा था वे बैक इन 1970s एंड 1980s। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली दुनिया भर के जितने भी मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सभी चाइना में हमें देखने को मिलता है। एप्पल से लेकर बड़े बड़े कार के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हमें चाइना का देखने को मिलते हैं बच्चों, हर प्रोडक्ट पर ऑलमोस्ट ऑल आपको मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब कोविड की मार पड़ने के बाद एक चीज़ जो इन बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, इन एमएनसीज को, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ये पता चली कि एक ही जगह पर रहना ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, हमें खुद को स्प्रेड करना पड़ेगा ताकि एक जगह इफेक्ट आए तो बाकी के जगह हम सेफ रहेंगे, ठीक है? तो इसे चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है, यानी कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं ना बच्चों, दुनिया भर के ही हैं, ऐसा नहीं कि चाइना की जागीर हैं वो। सो वो लोग सोच रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम चाइना क्या कोई ऐसा जगह है जहां पर हम इस स्तर पर हमारे यूनिट्स को खोल सकते हैं। तो अजय बांगा जी जो कि वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल न्यू दिल्ली में स्टेटमेंट दिया कि इंडिया ही ऐसा ऑप्शन बन सकता है जो इस अपॉर्चुनिटी को जल्द से जल्द इस्तेमाल कर ले सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये चाइना प्लस वन की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम टाइम के लिए ओपन होगी, लगभग 10 या फिर उससे कम शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए ही होगी, ठीक है? और इंडिया को चाहिए कि वो फुल फ्लेज इसका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि देखो हर 3 से 5 साल के बीच एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर सप्लाई चेन्स जो है ना वो अनदर लोकेशन को मूव होने के लिए देखते हैं, ठीक है? वहां पर सेट होने को देखते हैं।
तो इंडिया को एज ऑफ नाउ चाहिए कि वो जो चाइना में से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि इंडिया उसे टैप करे, जहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग से सेक्टर्स वगैरह हैं जो दूसरे लोकेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, इंडिया को चाहिए कि उन्हें करीब लें। और इमीडिएट हमें नेसेसिटी है कि 15 से 20 मिलियन ऐसे हाईली स्किल्ड जॉब्स हम बना सकें ताकि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त ये लोग हों और कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क ही ना आए, ठीक है, बाकी का दूसरा कंट्री उन्हें खींच ही ना सके। और कल को भी अगर कोई भी ग्लोबल स्लोडाउन आता है तो इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन ही काफ़ी है हाई रेट ऑफ GDP रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई बच्चों, ये न्यूज़ चैनल्स में भी छाया हुआ है, चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट इज ब्रिक्स समिट, इस साल का प्रेसिडेंटशिप जो है वो साउथ अफ्रीका के हाथ में है बच्चों, साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगा अगस्त के महीने में। अब आप सभी को भी पता है कि कई सारे वेस्टर्न सैंक्शंस रशिया और पुतिन जी पर लगाए गए हैं, तो उसी के चलते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वालों ने अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है व्लादिमीर पुतिन के नाम पर अलेजेड वॉर क्राइम्स के लिए, ठीक है, पिटिशंस दाखिल किए जा चुके हुए थे क्योंकि यूक्रेन में इन्वेजन हुआ ना बच्चों। अब जो कि साउथ अफ्रीका ICC का मेंबर भी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन जाएंगे तो आउट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन साउथ अफ्रीका मजबूर होगा उन्हें अरेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मेंबर है ना, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ पर नोटिस दिया जा चुका हुआ है कि पुतिन को अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली। अब जो कि पुतिन रशिया में ही है तो वहाँ पर क्या अरेस्ट होगा, लेकिन बाकी जो ICC के मेंबर्स हैं अगर वहाँ पर पुतिन जाएंगे तो वहाँ पर उनका अरेस्ट होना जाहिर सी बात है, ठीक है। सो ये डायलमा था इन्हीं के, दरअसल कपल ऑफ मंथ्स बैक ये भी डिसाइड किया गया था कि वो आएंगे और डिप्लोमेटिक कवर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, साउथ अफ्रीका वालों ने खुद कहा था, लेकिन अब म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ दोनों ने बात किया, कहा कि देखो हम मजबूर हैं क्योंकि हम ICC के भी मेंबर हैं और रशिया के साथ भी हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हम दोनों को ही मेंटेन करना चाहते हैं, और यूक्रेन के वॉर में भी एक न्यूट्रल स्टैंड साउथ अफ्रीका वालों ने लिया हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी डिस्कशंस के बाद रशिया ने भी ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया कि वर्चुअली अटेंड करेंगे पुतिन, ठीक है, वहाँ पर फिजिकली नहीं आएंगे ताकि आप अपना ICC का प्रोटोकॉल भी फॉलो कर सको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड बच्चों। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और ICG इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है बच्चों। सो दैट वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर टूडे, थोड़े बहुत रिव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। सेशन को लाइक करो बच्चों, कई बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया, द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम इज लव एंड सपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एसियान का हेडक्वार्टर है बच्चों जकार्ता इंडोनेशिया में। गुड, रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी ना एसियान की, वो भी जकार्ता में ही हुआ था बच्चों। एसियान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, बच्चों एशियन एस्टैब्लिश किया गया था 8th ऑफ अगस्त 1967 को, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। किस डिक्लेरेशन के चलते एशियन एस्टैब्लिश किया गया था? यस, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। एशियान का चार्टर कब साइन किया गया था? आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, रूल बुक कह सकते हैं, ठीक है, चार्टर, एशियान का चार्टर
एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट भी आप कह सकते हैं। ओके, सो एशियन चार्टर साइन किया गया था 16th of December 2008। इंडिया ने कितनी बार ब्रिक्स समिट होस्ट किया हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज चेयर्ड ब्रिक्स समिट? ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखो, ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब तक 3 बार किया हुआ है बच्चों, 2012, 2016, 2021। ठीक है, द टर्म ब्रिक इन 2001 वॉज ओरिजिनली कॉइंड बाय? पहले साउथ अफ्रीका हिस्सा नहीं था इसका, एक्चुअली टर्म दिया गया था, उसका एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ही बाद में हुआ। यस, जिम ओ नील इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, सो उन्होंने दिया हुआ था कि आने वाले कल को, यानी कि 21वीं सदी स्टार्ट हुई थी ना, तो 21वीं सदी में ये चार कंट्रीज ही दुनिया को मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। पहली ब्रिक्स समिट कहाँ पर होस्ट हुई थी बच्चों? सॉरी फॉर दैट। सो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था रशिया 2009 में बच्चों। ठीक है, एकाटेरिनबर्ग। यार हमारे गांव के नाम ही अच्छे हैं, रामपुर, प्रयागराज, हैदराबाद, दिल्ली, इन लोगों के गांव को प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते आसानी से। तो करंट चेयर कौन है बच्चों ब्रिक्स 2023 के लिए, जो कि अगस्त में होगा? यस, एब्सोल्युटली राइट बच्चों, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा और पुटिन नहीं जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बच्चों जेनीवा, स्विट्जरलैंड। यस, जी रहे हैं जिसके लिए, जेनीवा के लिए जाएंगे एक दिन। WHO हेडक्वार्टर भी देखेंगे बच्चों। ठीक है, तुलसी भाई है ना वहाँ पर, डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस का दूसरा नाम तुलसी भाई है, मोदी जी ने दिया हुआ है। पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे WHO के? अभी तो डॉक्टर टेड्रोस हैं पहले, फर्स्ट मोदी जी ने कह दिया तो कह दिया। मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर टेड्रोस को अपनी SSC इंटरमीडिएट और डिग्री की सर्टिफिकेट्स में भी रीनेम करवाना चाहिए खुद को, तुलसी भाई के नाम से। ओके, ये नाम आपको कुछ पता नहीं है, फिर भी आप ABCD लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ए इज द राइट आंसर, ब्रॉक शिजोम। ब्रॉक शिजोम इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से कैनेडियन ऑफिसर थे वो। हाँ, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आए ना बच्चों, आंख बंद करके अंदर आ जाओ। ठीक है, कुंडी मत खड़काओ, डायरेक्टली अंदर आ जाओ। ओके, सो दैट वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे दूंगा बच्चों, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 किसने होस्ट किया हुआ था, जहां पर इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला? श्रीलंका, इंडिया, मालदीव या थाईलैंड? कल के सेशन में आपको इसका आंसर मिलेगा। लेक्चर का PDF आपको ऐप में ही मिल जाएगा, जब आप ऐप डाउनलोड करके कोई कोर्स या बंडल खरीदोगे, देयर यू विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते या नहीं लिए हैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट ssbcrackexams.com। कई सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, स्टडी प्लान्स और स्ट्रेटजीज एनालिसिस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, जाके देख नहीं रहे हो आप में से कई लोग, ठीक है? सो जाओ वॉच इट, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। कई बच्चों को पता भी नहीं है कि करंट अफेयर्स चैनल पर मैं फुल्ली एक्टिव हूँ, पूछ रहे हैं सर आप कहाँ हैं। कई सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है बच्चों, एक बार जाकर चेकआउट करो एंड वॉरियर अटेंडेंस कोड विच यू शेड यू सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।